हाय, मैं सीमा सांगवान। आपका स्वागत है मेरे किचन में, जिसका नाम है सीमा सांगवान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अम्बी की चटनी, वो भी मम्मी के स्टाइल में। तो चलिए, मम्मी आज हमें सिखाएगी कि अम्बी की चटनी कैसे बनती है। चलो बताती हूँ कैसे बनेगी। पुराने स्टाइल की है, पर बच्चों के लिए नई स्टाइल की है। अभी बनाते हैं। बेटा पहले डालो तेल, इसमें एक कटोरी तेल डालो। तो हम इसमें डालेंगे तेल। अब हम तेल का गर्म होने तक वेट करेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें करी डालेंगे, मतलब कच्चा करी। और बिना छिलका उतारे डालनी है। अच्छा, ये सबक डालनी है हमें। हाँ, ऐसे। और ये सबक डाल के इसको फ्राई करना है। तो ऐसे पलट पलट के बैंगन का छिलका आराम से उतरेगा। हाँ, ये हमारी बुबू रानी ने सही पका लिया, सासू माँ के तरीके से पकाया बिल्कुल। और कोई मेरे ख्याल में तो इधर उधर की कोई इधर रोग नहीं करी है। और आज मेरे को बहू को प्यार भी आ रहा है, जो हमारे कड़े से ये चीज़ें सब बनाई है। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और इनका कलर भी चेंज हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल होने तक इसी में रखेंगे। फिर एक प्लेट में निकालेंगे इसे। हाँ, तो ये देखिए हमारी अम्बी अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका छिलका उतार देंगे। आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से हम सभी अंबियों का छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, जो अंबी हमने फ्राई की थी उसका मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम गैस ऑन करके दोबारा से कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो बताइए मम्मी, सबसे पहले कौन सा मसाला डालें? सबसे पहले अजवाइन। ओके, इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन, फिर हम हींग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, आधा स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, धनिया पाउडर, काली मिर्ची, काली मिर्च पाउडर, ये कस्तूरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। अब यहाँ पे हमारा मसाला भून गया है, ये काला नमक। अब हम इसमें ये काला नमक, काला नमक डालेंगे, यानी कि ब्लैक सॉल्ट। और एक कटोरी हम चीनी डाल। अब हम इसमें ये एक कटोरी चीनी डाल ली है और इसे मिला लेंगे, चीनी को मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें ये करी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब हम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो अब हम इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसी प्रकार से पकाएंगे ताकि अंबी भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 6-7 मिनट हो गई हैं और हमारी कैरी की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे।
बेटा बहुत टेस्टी लग रही है, मेरे को तो तुम्हें नहीं लग रही थी इसकी मैं इसे। अब इसे हम खा के टेस्ट करके बताएंगे। हाँ, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। हमारी साबुत कैरी की चटनी बनके तैयार हो गई है। और मैं अगर आपकी हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।